बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत की मौशी टीम मईशत में बेहतरी लाने की कोशिशें कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदों से मुलाकात उन्होंने की और इन मुलाकातों में अहम अमूर पर बातचीत की गई। कल IMF ने इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल में महंगाई कम होकर तकरीबन 12% तक आ सकती है। बेरोज़गारी की शरह गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 8.5% से कम होकर आइंदा माली साल से 7.5% होने का इम्कान है। हुकूमत की तरफ से मुल्क में सरमायाकारी लाने की कोशिशें भी हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा यकीन है कि अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान की खुशहाली और मौशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, बानी PTI ने मईशत के हवाले से कुछ तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। वो ये कहते हैं कि मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी है, ना कानून की और ना जमहूरियत की। कर्ज लेने से मईशत और करंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती। IMF के कर्ज से मुल्क में महंगाई की लहर आएगी, तनख्वाहदार और गरीब आदमी मारा जाएगा, सरमायाकारी ना आने से कर्ज और गुरबत बढ़ेगी। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर की मौशी बेहतरी की उम्मीद में वजन है या फिर बानी PTI के खदशात दुरुस्त हैं, इस पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ, प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राणा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। अब प्राइम मिनिस्टर तो बड़े पुरउम्मीद हैं और जिस तरह से सऊदी वफ़ के बाद हमने भी अपने प्रोग्राम में बात की कि अगर मईशत बेहतरी की तरफ जाती है और वाकईतन आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए, बानी PTI कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं, आपके ख्याल में किसकी बात में वजन है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर उम्मीद से हैं तो हम सब उम्मीद से हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बानी PTI जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो वही बात कर रहे हैं जो उनके दौर में उनकी ऑपोजिशन किया करती थी कि जी IMF के प्रोग्राम से महंगाई बढ़ेगी, और बढ़ती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उनको इंकशाफ तो कर नहीं रहे, जब IMF से आपके प्रोग्राम लेते हैं तो महंगाई तो बढ़नी है। उसकी वजह ये है कि ये हमारे जो अल्लाह ने हमें ये तोहफे दिए हुए हुक्मरानों की सूरत में, ये अपने तो कोई उस पर तो लगाते नहीं है ना कट कि जी हमने भी चलें, अगर IMF को देने हैं वो उसके अहदाफ पूरे कर रहे हैं तो हम अपने ही चलें। हम अब बिजली के यूनिट ही हम फ्री मिल रहे हैं, वो छोड़ देते हैं, कुछ और मराद छोड़ देते हैं, को प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ इनको, को प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा प्रेसिडेंट साहब उठा लेते हैं कि जी आज के बाद एक एक पाई जो खर्च होगी वो मैं दूंगा उसको। अगर तो ये समझते हैं कि रोटी को 16 रुपये की करके, जो कि मिल भी नहीं रही मैक्सिमम जगह से, तो ये आवाम को रिलीफ दे दिया, तो नहीं, आवाम को रिलीफ इस तरह नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपने रोटी सस्ती करने का ऐलान किया, साथ ही पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए। अब जब पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, बिजली महंगी हो जाएगी, तो किस तरह से पॉसिबल है कि आप उनको मजबूर कर सकें कि भाई इस पर दो? उसकी वजह भी है, ये नहीं है, मैं नहीं कहता कि ये दुकानदार नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करते, वो इसलिए भी करते हैं कि आपने उनको आदत डाल दी हुई है। एक तो महंगाई अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपने अगर वो एक बंदा जो लेने जा रहा है उसके मसाइल हैं, तो जो बेच रहा है उसके भी मसाइल हैं, उसने भी घर में बिजली का बिल देना है, उसने पेट्रोल भी यूज़ करना है, उसके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, कोई सेहत के भी मसाइल होंगे, उस पर भी पैसे खर्च करने होंगे। ये तो बात अपनी जगह ठीक है। बैलेंस उसी तरह से होता है कि आप एक जो बनाते हैं फॉर्मूला बनाते हैं किसी के लिए, उसको बिल्कुल, यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स बैठ के बना देते हैं कि जी वो आपका दफ्तर में बैठे और उन्होंने बता दिया कि जी रोटी इतने की पड़ रही है, इसको बस इतने की पड़ रही है तो इतने की बेचनी चाहिए। अब बाकी जो ओवरहेड्स हैं उसका आपने वो अंदाजा ही नहीं करना, तो वो भी सच्चा होता है जब वो कह रहा होता है कि भाई मैं इतने की कैसे बेच दूं। आपने गंदम का रेट पिछले साल वाला रखा, ठीक है, वो शायद आटा सस्ता मिल जाए लोगों को, लेकिन उसका नुकसान आपने नहीं सोचा। वो जो किसान है जी बिल्कुल, वो तो बर्बाद हो रहा है। और वो मुझे याद आ रहा है कि एक दफा पिछली दफा आलू की फसल के साथ जो हुआ था, वही गंदम की फसल के साथ होने वाला है। वो कह रहे हैं को इन्होंने 3800 रखा है, को 3200 के करीब लोग खरीद रहे हैं, तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा ना। उसने इतनी महंगी खाद, उसके बाद जो पानी लगाया, वो बिजली इतनी महंगी थी, वो सारे मसाइल के बाद वो भी अगर उसको नुकसान में वो बेचेगा, तो नेक्स्ट टाइम इसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर आप चाह रहे हैं
कि गंदम भी काश्त ना की जाए, तो इस तरह से पॉलिसीज नहीं बनती। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह के अल्लाह का बड़ा करम है पीएमएलएन की गवर्नमेंट पे। ये जब भी आए हैं किसानों पे बड़ा जुल्म हुआ है, किसान इनके दौर में कभी खुश नहीं हुआ। उसकी वजह ये कि शायद ये समझते हैं कि हम चूंकि अर्बन इलीट हैं, इसलिए शहरी लोगों को ज्यादा वो फायदे देने चाहिए, ताजरों को देने चाहिए। तो ताजर इनका हमेशा से वोट बेस भी रही है इनकी बहुत बड़ी, क्योंकि ताजर हमेशा इनको वोट देते रहे, उनको सपोर्ट इन्होंने हमेशा किया। क्योंकि जब बेनजीर साहबा ने पहली दफा डॉक्यूमेंटेशन के लिए निकली थी, उसके लिए टैक्स के लिए, तो यही रुकावट बने थे। उस वक्त मेरे कायदी उनके खिलाफ निकले थे ताजरों को लेके कि ये नहीं होने दिया जाएगा। तो किया तो किसी ने भी इस मुल्क के साथ ठीक नहीं है। लेकिन आया सब सोशल मीडिया पे बड़े बड़े तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि रिवाइवल होगा जो ये रोटी वाला कदम उठाया है, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आपकी बात दुरुस्त है, किसान तो फिर घाटे में ही रहेगा। देखिए वो मैं तो मुझे सस्ती रोटी अगर मिल रही है, सस्ता आटा मिल रहा है, मुझे उस पर क्या एतराज हो सकता है। लेकिन वो किसान जो मेरे लिए वो पैदा कर रहा है, अगर उसको नुकसान में जाता है वो, तो फिर देखे ना, एक आपने फरीक का फायदा कर दिया, दूसरे फरीक का आपने नुकसान कर दिया। आपको कहीं बैलेंस क्रिएट करना पड़ता ना। आप सब्सिडाइज आटा देते हैं तंदूर वालों को, फिर वो जाके आपको सस्ती रोटी देते हैं ना। इस तरह तो नहीं होता। पूरी दुनिया में जब ट्रांसपोर्ट वो जो है वो लोगों को मिलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो सब्सिडाइज होती है ना, गवर्नमेंट के सब्सिडी मिलती है, तो वो इतनी सस्ती आपको मिल रही होती है। अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप उनसे कहें कि जी नहीं, ये किराया आपने लेना है और पेट्रोल के रेट्स आप भूल जाएं जो भी हैं। इस तरह नहीं हुआ करता, चीजें बैलेंस करके जाई जाती हैं आगे। लेकिन इस ये किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना, क्योंकि आप आए हैं, आपने कहा जी बस ये दिखा दें लोगों को, जी ये देखें उनके रिलीफ के लिए हम कितने काम कर रहे हैं। उसमें से अगर तकलीफ निकलनी है उन रिलीफ के कामों से, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, फिर आपको अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करनी चाहिए। ब्रिगेड साहब, आपको लगता है जो पॉलिसीज इस वक्त बनाई जा रही हैं उन पर नजरसानी की जरूरत है, और जिस एस्पेक्ट्स की निशानदेही कर रहे हैं अयाज खान साहब के, अगर आप एक तरफ एक सेक्टर को रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरा सेक्टर को उसी से तकलीफ भी हो रही है। आप बिजली, पेट्रोल, ये तमाम चीजें महंगी होंगी, तो किस तरह से बेरोजगारी में कमी आएगी, महंगाई कम होगी पाकिस्तान में, जो कि आईएमएफ की रिपोर्ट में भी है, आपको क्या लगता है? दूसरी तरफ जो बानी पीटीआई जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, अगर उनको समझ लिया जाता है कि वो ऑपोजिशन की जुबान है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर का विजन दुरुस्त है? आप समझते हैं कि इनकी पॉलिसीज में तसलसल है, ये पाकिस्तान में मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं? जो आप बात की है कि इजाजत जो बात करें, बहुत हद तक मुझे मुत्तफिक हूं। आप देखें कि गंदम की जो आपने कीमत रखी है, और जब ये कमल लोग लगाना छोड़ देंगे किसान, फिर इंपोर्ट करेंगे, इसे डबल कीमत से भी ज्यादा पे आप इंपोर्ट करते हैं, तो टू द ग्रोथ को दें। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, आपकी इकोनॉमिक इंजन एग्रीकल्चर है सबसे ज्यादा, और जो फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशियंट होता है वो कभी भूख से नहीं मरता है, वो कभी बुरे जो लोगों को कम अज कम उनका पेट भरने के लिए हर चीज को मिल जाती है। आटा आपने दिस इज कॉल्ड चीप पॉपुलैरिटी, जो रोटी चार पैद कर दी, आप क्या वो देंगे? एक हफ्ते के बाद देखेंगे सारा खुद वापस रिवर्स हो जाएगा, इसलिए कि ये पॉसिबल नहीं है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन, आप बताएं उसके बाद जो उनकी लेबर है उसकी तनख्वाहें कहाँ से पूरी करेंगे? डेट समी वर्कआउट लाइक दिस, रोटी की कीमत आपने निकाल ली, उसके ओवर हेड एक्सपेंडिचर किसने निकालने? लाइक वाइज आपको ओवरऑल एक पॉलिसी बनाएं महंगाई को कम करने के लिए। बाकी चीजें जो इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं ना, वो आपके वो बिजली है, डीजल ऑयल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये चीजें उनको आपको कम करने की जरूरत है, वो आप कम नहीं कर रहे तो कैसे महंगाई कम होगी? डेफिनेटली जो सऊदी के डेलीगेशन का विजिट है, इट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, यू मस्ट अप्रिशिएट। और आज उनके असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर भी आए हैं, वो भी बड़ा पॉजिटिव है, $5-7 billion की इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। This is on one side. एग्रीकल्चर को आप किसी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये मैं बताऊं, DAP जो है वो 15,000 की एक बोरी है, और यूरिया जो है वो 55 से बेहद, बल्कि ब्लैक में 6,000 की मिलती है। तीन यूरिया और एक DAP देनी होती है, इसको आप सोचें डीजल कितना महंगा, उस पर खर्च होता है, कई उसके बाद ट्यूबवेल महंगे हो गए, वो उसका कितना खर्च होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीजें, साथ आपने ऑस्टेरिटी ड्राइव कौन से मुल्क के अंदर, आपने कहाँ से भी ये बताइए,
स्टेट कॉरपोरेशन अभी तक आप सिर्फ पीए के पीछे पड़े हैं, वाई नॉट रेलवे, स्टील मिल, स्टेट कॉरपोरेशन को 250 है, ये छोटी छोटी कॉरपोरेशन जिसमें हुकूमत पैसे 500 रुपए लगा दी है, इसको करें ना, ये स्ट्रीमलाइन करें। उसके बाद एफबीआर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हम सुन रहे हैं, कब से क्या किसने की है, कहाँ पर कस्टम में चोरी होता है, कहाँ पर इनकम टैक्स, सेल टैक्स जो कहती है आपकी जितनी आपकी इंडस्ट्री है सारी अंडर इनवाइसिंग। अगर चीनी 5 लाख टन होती है तो 5 लाख टन चोरी होती है, वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं होती है, ये चीज करने की जरूरत है। और साथ अवाम को रिलीफ जरूर दें, अवाम ऑनेस्टली बहुत परेशान है। जो ये पीटीए की बात है, दे शुड टॉक, अभी ऑपोजिशन में रह के भी टॉक पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री, मुल्क के लिए नुकसान नहीं करेंगे, ये नोबडी कैन अफोर्ड इट, ये मुल्क के लिए नहीं होना चाहिए। हमें जो बात की है मुल्क के फायदे में है, उसके लिए कभी नेगेटिव पॉलिसी नहीं करें। आप ऑपोजिशन आप में अमेरिका में देख लें, डेमोक्रेट रिपब्लिकन है, जहाँ इसराइल वहां सब इकट्ठे हैं। लाइक वाइज नेशनल इशूज के ऊपर बी वेरी क्लियर, वो उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर कि अगर ये गवर्नमेंट स्टेप इस तरह की लेगी तो फिर फर्क पड़ेगा। सही है जी आमिर साहब, ये बात तो दुरुस्त है, जो पॉजिटिव चीज़ है जाहिर है, जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर तो उसको तो कोई क्रॉस नहीं करता, वो मीडिया भी नहीं क्रॉस करता, डेफिनेटली उन इंटरेस्ट का तो ख्याल रखा जाता है। लेकिन आमिर साहब, अब हमने तो यही देखा मईशत के हवाले से, अगर एक पॉलिसी बनाई जाती है तो अनफॉर्चुनेटली जब अगली गवर्नमेंट आती है उसको कैरी नहीं कर पाती, और इवन उसी गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिसीज़ का तसलसल है उसका भी लैग देखा जाता है। तो आपके ख्याल में अब इस वक्त अगर आज के दिन तक की हम बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब को उम्मीद है बड़ी मुस्तकबिल में मईशत की बेहतरी की, क्या उसको दुरुस्त माना जाए, या फिर बानी पीटीआई बतौर ऑपोजिशन क्या वो जो खदशात का इजहार कर रहे हैं आपको लगता है वो भी एग्जिस्ट करते हैं? वो है ना कि मैं रोऊं या हंसूं करूं तो क्या करूं। जब ट्रांसपोर्ट पे, मेट्रो पे, ऑरेंज ट्रेन पे सब्सिडी दी जाती है, और ये देखें जी फजूल बात है, ये अपोजिशन का मैं प्रोपेगेंडे की बात कर रहा हूँ, क्यों बनाई जंगला बस है, फलाना है, ढिमकाना है। जब रमजान शरीफ में पैकेज दिया आटे का, और नहीं जी नहीं ये तो बड़ी ज्यादती है जी, ये तो गरीब बना रहे हैं, लाइन में लगा रहे हैं, फलां है, मतलब जबकि ये गरीब आदमी के लिए था जिसका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है कि आप कुछ फौरी तौर पर हुक्मरान बने हैं, आप पॉलिसियाँ तो बनाएंगे ना, अगर यहाँ कोई टिकता है तो फिर बनती हैं, एक फ़ौरन रिलीफ देना था ना जी, ये भी गलत हो गया। अच्छा रोटी जिसको केपी ने भी काबू कर लिया, क्या ये जो रोटी सस्ती खरीदेंगे वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है कि इश्यूज दोनों तरफ हैं, किसान है, बड़ा जो ज़मींदार है वो टैक्स टके का नहीं देता, गप्पे उनसे जितनी मर्जी करा लो, एहतजाज वो मैनेज कर देते हैं आपको सारे के सारे, लेकिन टैक्स के ऊपर मौत आती है, वहाँ पे सीधी बात होती है। जो सूबाई टैक्स है, सूबे में सारे हुक्मरान बन के बैठे हैं, मरकज में सारे हुक्मरान बन के बैठे हैं, ये नहीं है कि जी ये कोई एक का फ़ायदा है नुकसान है, ये जब कोई मुल्क पॉलिसी के मुताबिक तसलसल से चल रहा हो फिर ये बातें हो सकती हैं आइडियली। अब जो रिलीफ किसी को मिलता है वो मिल सकता है, आगे चल के आएगा किसान पैकेज के हवाले से कि जी आपको डीएपी बिल्कुल यूरिया जो भी है उसको सस्ता करना पड़ेगा ताकि इनपुट सस्ती होगी तो किसान को रिलीफ मिल जाएगा। ये जो बड़ा जमींदार है ना ये सिर्फ गपशप की हद तक करता है क्योंकि उसको तो कोई इशू नहीं होता क्योंकि ना टैक्स देना है। यहाँ जो टैक्स मजदूर 100 रुपये के मोबाइल के कार्ड पर भी देना शुरू होता है 40-50 रुपये, गरीब जलील उसमें हो रहा है कि आप उससे सारे टैक्स वसूल करते हैं लेकिन उसके रिलीफ में हमारे पास ही फंड बट्स मौजूद होते हैं। अब आप आ जाएं वो जो अडियाला जेल में इमरान खान मौजूद हैं, उनकी कल हम बात कर रहे थे ना डील हो रही है, ढील हो रही है, और मैं कह रहा था कुछ नहीं हो रहा, आज उन्होंने खुद दोबारा आर्मी चीफ को मतून कर दिया खड़े होके कि वही हैं जो जिम्मेदार हैं। भाई पहले वो अमेरिका से चले थे, फिर उनके एक शेर अफजल मरवत साहब हैं, कल उन्होंने सऊदी अरब को भी डाल दिया, आज फिर पूरी पार्टी लग के बैन में लगी हुई है, कोर्स गा रही है कि नहीं नहीं ये उनकी जाती राय है, वो रोजाना इमरान खान की राय पर आके कहते हैं। आपको याद होगा हमने यहाँ पर ये बात कही थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में इमरान खान ने, मैंने उस वक्त कही थी ये बात जब वो वजीर आजम थे और जब ये वाकया हुआ था कि मुड़ के कहा कि इनका तख्ता नहीं उल्टा जा सकता, ठीक है, इस तरह बातें हुई, उन्होंने उसकी भी वजाहत की कि ये उस वक्त से शुरू हुआ है, वो मिलते भी खान साहब से रोज हैं, डिस्कशन भी करते हैं, और उसके बाद वो पता लगा कि ये तो उल्टी पड़ गई तो आज सारे वजाहतें कर रहे हैं। खान साहब इस मुल्क में किसी इदारे को ठीक रहने देना नहीं चाहते,
वो कहते हैं ला कानूनियत है, कानून नहीं है, तो केपी से हुकूमत खत्म कर दें। या गुस्सा है उनका कि भाई वो हुकूमत में है और हम अजियत में हैं। अपने ही वजीर आला के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो आके मिलके भी जाता है, डील ढील उन्हीं के जरिए शुरू हो रही है ना, कि कोर कमांडर के दफ्तर में चले गए जी, वो तो ब्रीफिंग थी, नहीं थी, उन्होंने लीक की, फलानी की, बात की। भाई आप अगर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई बात करते हैं तो फिर कायम रहें। आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं अपने सूबे के लिए तो कायम रहें, बजाय इसके कि वहां बैठ के डेला जेल में आप अपने तमाम लोगों को आगे भाड़ में झोंकना चाह रहे हैं कि जी मुझे नहीं निकाल रहे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसके अलावा खान साहब के पास कुछ है? अब उनको यह नजर आया कि सऊदी अरब से बेहतरीन रास्ता बन गया, इन्वेस्टमेंट अब आने वाली है, गल्फ से आ रही है, चाइना से आ रही है, एक माशी इस्तेकाम की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे लिए वर्ल्ड बैंक, जहां 1 करोड़ लोगों की गुर्बत में, जाहिर है तसलसल है ना चीजों का, नीचे जाने का, उठने में टाइम लगता है। हम कल भी कह रहे थे बिगाड़ फौरन हो सकता है और अगर आपको सुधारना है तो टाइम लगता है। जब ये लगता है तो उनके तन में आग लग जाती है, फिर वो ऐसे बयानात देते हैं कि जिससे ना कोई अदारा बचे, ना मुल्क के अंदर कोई सलामती का रास्ता हो, ना सियासी इस्तेकाम आए। उनका गुस्सा खत्म होने में नहीं आ रहा, जब तक वो इस गुस्से पे काबू नहीं पाएंगे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सेम फैसल साहब, ये बानी पीटीआई का गुस्सा है लेकिन कुछ बातों में तो वो ठीक बात कर रहे हैं ना, कि वो कहते हैं कि ना कानून जंगल का कानून है। अब कराची में हमने 2 दिन यही बात की, क्या हुकूमत कर रही है, किस तरह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ, इसी को फिर जंगल में कानून कहते हैं ना, कि आप इंसाफ ही नहीं दे पाते, हमारी अदालतों में क्या होता है, मामलात गरीब आदमी को कहाँ कब किस तरह से इंसाफ मिलता है, सालों गुजर जाते हैं, हम ही यहाँ पर बैठकर ये खबरें पढ़ते आए हैं। वो बंदा जो है जिसको इंसाफ मिला उसको मरे हुए सालों हो गए और उसके बाद उसको बरी कर दिया जाता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि मईशत के हवाले से सियासी इस्तेहकाम उस तरह से नहीं आ पाया। अब आमिर साहब की बात ये दुरुस्त है कि जाहिर है वक्त लगता है, जब भी आप अच्छी पॉलिसीज की तरफ जाते हैं फिर उसको प्रैक्टिकली आप लेकर चलते हैं तो वो जाहिर है टाइम टेकिंग होता है। तो आपको लगता है कि वाकई हुकूमत के अंदर ये कैपेसिटी है, ये विल आपको नजर आ रही है, पॉलिसीज का तसलसल होगा, मईशत बेहतर होगी, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है? क्योंकि चले हम मान लेते हैं कि बानी पीटीआई का जो एक स्टांस है वो एक महज ऑपोजिशन का स्टांस है। फैसल साहब, हम ये कहते हैं कि बानी पीटीआई जो गुफ्तगू कर रहे हैं या जो मौकफ इख्तियार कर रहे हैं वो 100% गलत होगा। हर बात उनकी गलत होगी, छोड़ देना उनको, उनकी हुकूमत तो नहीं है इस वक्त। जवाब तलबी किससे करनी है, बानी पीटीआई से करनी है, मौजूदा हुकूमत से करनी है? इस वक्त पॉलिसियाँ किसकी जो है इधर जो इम्पोज हो रही है, बानी पीटीआई की हो रही है, मौजूदा हुकूमत की हो रही है? अच्छा, ये मौजूदा हुकूमत जो है ना, ये जो मौजूदा हुकूमत का कोई हनीमून पीरियड का ऑप्शन नहीं है इसके पास। ये अपने आप को अभी तक हनीमून पीरियड पे समझ रही है। 18 महीने की जो हुकूमत थी उसके बाद जो केयर टेकर हुकूमत थी वो भी 18 महीने की हुकूमत का तसलसल थी, और ये जो हुकूमत आई है ये हुकूमत भी केयर टेकर उससे पहले वाली हुकूमत का तसलसल है। केयर टेकर हुकूमत में मौजूदा वज़रा तक तो केयर टेकर हुकूमत में लगे हुए थे, तो इनको कितना अर्सा चाहिए अपनी पॉलिसियाँ जो है वो नाफिज करने के लिए? ये तो तय हो गया था ना कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं उनको कंटिन्यू करेगी मौजूदा हुकूमत, और केयर टेकर जो गवर्नमेंट थी वो उस जो 18 महीने 16 महीने की गवर्नमेंट थी उसको कंटिन्यू कर रही थी। तो ये हुकूमत तो मुस्तकिल चल रही है, 2.5-3 साल की तो गवर्नमेंट हो गई। आप ये बताएं कोई रिफॉर्म्स आई? ये बात तो आमिर साहब की बिल्कुल ठीक है कि भाई इस मुल्क में तो सिर्फ तनख्वाहदार आदमी जो है वो टैक्स दे रहा है, या जिसकी गर्दन पतली है उसको उल्टी छुरी चला देते हैं। आप ले ना जरा टैक्स लगा दे, क्यों आपने ये इतना अहम तरीन टैक्स जो है वो 18वीं तरमीम के नाम पर जो है सूबों के हवाले किया हुआ है? नौकरी पेशा आदमी जो है वो टैक्स दे रहा है, और ये ज़रात पे ये जागीरदार हैं, ये जो बटेरे हैं, ये 1 रुपये का टैक्स देने को तैयार नहीं है। आप इस वक्त जो सूबाई टैक्स है पंजाब गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का, इन 2 सूबों का सिर्फ डेटा मंगवा लें कि इन 2 सूबों से जो है टैक्स कितने जो है वो जमा हुए हैं। बहुत हैरत अंगेज इंकशाफात होंगे। उससे ज्यादा टैक्सेस तो छोटे मोटे इदारे जो होते हैं उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटकर जो है ना हुकूमत के पास जो है वो चले जाते होंगे। आज तक अभी किसी ने सुना इस मुल्क के अंदर कि जरिए टैक्स ना देने के खिलाफ किसी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है? कोई पूछता ही नहीं है। ये जो जागीरदार सरमायादार है ये इतनी बड़ी माफिया बन गए। अच्छा, फिर हर बड़ा बिजनेसमैन आपको खसारे में मिलेगा, उसकी जो लग्जरी लाइफ है वो बढ़ती चली जा रही है, उसके असासे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सालाना तौर पे उसको जो है ना वो आपको उसको जो है खसारे में उसके वो उसकी जो बैलेंस शीट होगी उसमें वो जो है वो खसारे में होगा। लाखों करोड़ों रुपए देखे उसने जो इनकम टैक्स के वकील रखे हुए और वो उसको साबित कर देते हैं कि भाई आपका तो बड़ा जो है खसारा हो गया, क्योंकि उसके असासे बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारोबार जो है बढ़ता चला जा रहा है, उसकी जो लग्जरी लाइफ आप में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन उसका खसारा खत्म जो है वो नहीं हो रहा। इस मुल्क में ऐसा लगता है कि सिर्फ नौकरी
पेशा आदमी वही कमा रहा है जिसकी 10 तारीख को 15 तारीख को पैसे खत्म हो जाते हैं, परेशान ना हो आ रहा आपके हमारे ऊपर फिर टैक्स जुल्म है ना, कम से कम उसको आमिर साहब जुल्म बोलेंगे, उसके लिए भी कोई तावील लेकर आएंगे आप? नहीं नहीं आमिर साहब जुल्म नहीं करेंगे। आपने मेरी तारीफ की कि मैंने यही कहा और अभी खुद कहा है, मैंने कह दिया तो मिर्चा लग गई भाई, बंदा क्या करे इस तरह का, कोई नहीं ठीक हो सकता ये। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी तो मेरी तारीफ की है, कल भी आपकी तारीफ की, फिर कहते हैं आमिर साहब इसको, कल भी की थी भाई कल, तौबा तौबा यार, अपने कायम पे तो रहा करो, झूठ बोलो तो क्या कहते हैं कायम भी रहो। जफर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए जी, होना चाहिए कहीं ना कहीं तो फैसल साहब होना चाहिए जी इलियास साहब। अच्छा बात अच्छा अभी आप बात कर रहे हैं, ओके ओके जुमला जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत ने कोई टैक्स रिफॉर्म्स की अब तक जो सबसे बड़ा इस मुल्क में, अगर यकीन करें खुदा का वास्ता है वो भी हम पे ही आना है, आपका बजट हमारी स्लैब्स कम कर रहे हैं बस, ये कमजोर आदमी है उसकी जो है वो गर्दन जो है वो दबोचे चले जा रहे हैं तो नहीं चलेगा सिस्टम। देखिए नुमाइशी कामों से हुकूमतें नहीं चला करती, हुकूमत चलाने के लिए आपको देर पर इकदाम करने पड़ेंगे, आपको कड़वी गोलियां पीनी पड़ेंगी, जहां कराची में आप है ना नुमाइशी इकदाम की बजाय डायरेक्ट काम हो रहा है, इस ख्याल और एहसास से आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि फला आदमी नाराज ना हो जाए, ढिमका आदमी नाराज ना हो जाए। हर ताकतवर आदमी तो हुकूमतों का हिस्सा होता है, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, आप जितनी भी माफियाज के लोग हैं आपको इस हुकूमतों का जो है वो हिस्सा मिलेंगे। तो गरीब आदमी तो ऐसे रोने के लिए ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट, अभी आपने आमिर साहब के कमेंट पे सर झुका लिया, मैं समझी कि आप खामोश हो गए हैं, तो मुझे तो नहीं समझ आई ये ताबेदारी थी या आप चुप हो गए, मैं इलियास साहब की तरफ जा रही थी, तो अब इसको क्या कहा जाए? ये याद कर रहे थे कि क्या आमिर साहब के, तो आमिर साहब के तो हम है ना ताबेदारी है। अच्छा चले देखा मैंने सही किया, इनके ताबेदारी रहना है जो सही है। जो हालात चल रहे हैं ना आजकल क्योंकि ना माफिया का कंट्रोल है तो उनके आप दबके रहे उनके आगे। अगला सवाल आ रहा है आपके लिए आ रहा है, वो जो आपको आजकल कर रहे हैं ना एक्स पे, अगला सवाल इसी पे है, ख्याल रखना, जज्बाती तजिया लिखते हो ना गवर्नमेंट की जानिब से वही गर्दन आनी है। 18 माह से जो पॉलिसी है वो महंगाई की तो चलती आ रही है, ये तो एक फर्जी तौर पर आटे की रोटी की कीमत कम की है, वो इस सारी देख लें कि रोटी की कीमत जो कंट्रोल करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, कोई कीमत कम ही नहीं करा, इसके अलावा ब्रॉयलर की जो कीमत है वो भी देख लें, आज स्ट्राइक पर गए हुए हैं और पूरे सूबे में वो ब्रॉयलर वगैरह नहीं सप्लाई कर रहे क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमें मार्केट से जो फार्मर है वो महंगे दामों पर बेचता है और जबकि गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला वो कम निकाला है, तो इस तरह तो नहीं महंगाई पर कंट्रोल होता, महंगाई पर जो कंट्रोल होगा वो फंडामेंटल पर जो होंगे उसके उस पर बेसिक्स देखने पड़ेंगे कि किस वजह से उनकी कॉस्ट कम होगी तो तभी जब जाके चीज़ें कम होंगी, वरना तो इसी तरह जो है कि कीमतें करने की कोशिश की जाएगी तो इस तरह मार्केट ज़्यादा देर नहीं चल सकती, तो इसकी अगर कीमत कम हुई है तो उसका मैकेनिज्म बनाएं, उसके मैकेनिज्म को चलाएं उसके मुताबिक के इनको सस्ती चीज़ मिलेगी, आटा मिलेगा तो सस्ती चीज़ें आगे से मिलेंगी, अगर इस तरह है किसान को भी आपने सपोर्ट करना है, बजाय बाहर इंपोर्ट करते हैं आपने पहले जो इंपोर्ट की है गंदम उसके तो हिसाब दें कि क्यों इम्पोर्ट की ज़्यादा एक्सेस, अपने काश्तकार को तो ये सब्सिडी नहीं देते जबकि उधर बाहर जो है वो महंगे दामों इम्पोर्ट कर लेते हैं और भरी पड़ी है इस टाइम गंदम, तो अब ये क्या करेंगे काश्तकार इस वक्त बेचने के लिए अपने खेतों में बैठे हुए बारदाना लेने के लिए, आप जैसे लोगों के शिप्स खड़े होते हैं ना जी? वो कह रहे हैं आप जैसे लोगों के शिप्स खड़े होते हैं वहाँ पे। हाँ एक शिप अडेल भी भिजवा देना। हाँ बिल्कुल आमिर भाई बस दुआ कर थले तो तस्वीर के पीछे बैठे। अच्छा तो इसी तरह जो सूरत हाल है जब तक इसको चीज नहीं करेंगे, पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे बात सुन के जो है साहब इकतदार जो है सीएम साहब वो ये इन लोगों की बातों को ना समझें, रियलिटी देखें, अपनी भी रिसर्च करें ताकि उनके मुताबिक जिन्होंने किए हैं इंपोर्ट की है उनसे भी पूछें कि ये क्यों इंपोर्ट कर दी और इसके काश्तकारों को नुकसान, वही बात है काश्तकार अगले साल नहीं करेंगे, इसी तरह गंदम की इसी तरह कपास की इसी तरह दूसरे आलू की इस तरह लोग नहीं करते, जब उनकी कॉस्ट पूरी नहीं होती तो वो कैसे करेंगे, वो जाहिर है फिर भाग के कोई और काम करेंगे या उनके पास कुछ रहेगा नहीं, तो इसी तरह आप देख लें जो पानी के हासिल करने के लिए पानी उनको नहीं मिलता दरियाओं का, तो इस टाइम वो जो नहरों से नहीं मिलता तो वो उसके लिए ट्यूबवेल चलाते हैं, ट्यूबवेल जब चलाते हैं तो उनकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली जाती है, तो ये सारी चीजें टाइम हो तो मैंने ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल, ये सारी जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट की जानिब से वो ठीक है, सारा सही कह रहे हैं कि जी अगर बाहर से जो
पैसे आ रहे हैं बाहर से, तो उसे वक्ती रिलीफ मिलेगा। ये मुस्तकिल नहीं है, इसको मुस्तकिल करने के लिए इसको दोबारा जो है ओवरऑल करना पड़ेगा इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को, दूसरी इकोनॉमी, सारी चीज़ों को, ताकि आपकी इंडस्ट्री भी चले, ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बैठ के प्लान करना पड़ेगा, एकदम तो नहीं होगा सारी चीज़ें, इसके लिए इनको बनानी पड़ेंगी पॉलिसियाँ, मनसूबे बनाने पड़ेंगे, जिन मनसूबों पर अमल दरामद करेंगे, ताकि पाकिस्तान जरूरी अमल दरामद, तो ये है अमल दरामद जरूरी है, लेकिन ये अमल दरामद होता नहीं इधर से आमिर लियास तक जी, गवर्नमेंट की का सफर ठीक है जी। आमिर साहब गवर्नमेंट इतनी रहती है कि नहीं रहती, ये भी चीजें तो देखनी ठीक है। आमिर साहब सवाल करें जी, ब्रिगेडियर साहब आपसे सवाल कर रहे हैं। आमिर साहब जी जी, मैं ब्रिगेडियर साहब का पहला लफ्ज छोड़ के हारिस नवाज साहब से पूछता हूँ, जो एक जमींदार हैं और सिंध से हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ ये अक्सर बात होती है कि जी सिंध के काश्तकार सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसलिए कमाते हैं, गर्मी पहले पड़ती है, मौसम पहले आता है, फ्रूट से लेके और सब्जी तक पंजाब में जितना आता है नई, और उसके रेट भी बहुत तेज़ होते हैं और बहुत अच्छे पैसे सिंध वालों को मिलते हैं। क्या वहाँ पे ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हम तो महंगी खरीदते हैं जब यहाँ पंजाब की चीज़ें आती है। मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा, ये एक मौसम की बात है। वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के 12 मौसम थे एक वज़ीर आज़म के, हमारे पास तो 4 ही हैं, लेकिन ये फ़र्क पड़ता है। तो कितना फ़ायदे में काश्तकार जाता है सिंध का? देखिए रहा, मैं बताऊँ आपको ऑनेस्टली फील कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़रूरी है टैक्स लगाना, इसलिए कि जितना भी हो आप फिर भी प्रॉफिट में होते हैं, और जब पूरा मुल्क टैक्स दे रहा है, आप सोचें अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर टैक्स हो तो कितना आपका नेट, ये जो आता है नेट होता है, कितना ब्रॉड होगा और उससे कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। डिस्पैशनेटली कि मेरा फ़ायदा है किसी के मुल्क के फ़ायदे के लिए हर चीज पे टैक्स, एक छोटे से बात सही कि मोबाइल के ऊपर 40 रुपए या 30 रुपए, 100 के ऊपर 30 रुपए टैक्स दे देता है। जी चीजें काम करें, गरीब को फायदा दें और बिल्कुल इसको करें। मैं टोटली एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर, वी नीड टू हैव टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। नहीं, आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है उसका, सही है, हाँ, वो बात आप गोल कर गए। पर आई डोंट गो फॉर देम, फ्रूट हम लगाते नहीं है हमारे पास, मेन क्रॉप मेरे पास जो वो शुगर केन, मतलब हम प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मांग सकते आप। सही है, क्योंकि वो कमाते ही नहीं ना प्रॉफिट, तो कैसे आपको हिस्सा देंगे। ब्रेक ले, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल सोशल मीडिया चैलेंजेस से मुतल्लिक हम कर रहे हैं कि कानून साजी की बजाय पाबंदी, क्या हुकूमती पॉलिसी दुरुस्त है, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सोशल मीडिया ऐप एक्स गुज़श्ता कई अरसे से बंद है। हुकूमत पहले मान नहीं रही थी कि उसने ऐप पर कोई पाबंदी लगाई है, फिर तस्लीम किया कि पाबंदी है और अब वजह भी बता दी है। आज इस हवाले से वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई है। रिपोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकाम की पासदारी नहीं की गई, इसलिए एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वजारत दाखिला ने 17 फरवरी को एक्स की बंदिश के अहकाम जारी किए और बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमनोमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। शिदत पसंदाना नज़रियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद शर पसंद अनासर की तरफ से अदम इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, गवर्नमेंट का मौक़िफ अपनी जगह, लेकिन क्या पाबंदी लगाने से बताए गए खतरात खत्म हो जाएंगे? अगर ये पाबंदियों का सिलसिला जारी रहा तो ये कहाँ जाकर रुकेगा? हुकूमती पॉलिसी जायज़ है, इस पर बात करेंगे। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, क्योंकि और भी बहुत से मीडियम हैं सोशल मीडिया पर, अगर एक एक्स बंद होगा तो इंस्टा भी है, फेसबुक है, और भी सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसी ऐप्स हैं जिस पर ये रसाई मुमकिन है देखने वालों के लिए। आपके ख्याल में क्या ये पॉलिसी दुरुस्त है, बजाय इसके कि उसमें इस्लाहात लाई जाएं, पाबंदी आपको लगता है हल, क्या ये दुरुस्त है गवर्नमेंट का एकदम? दुआ थोड़ा आहिस्ता बोल रहे हैं, सारों को पता लग जाएगा कि अभी बाकी सोशल मीडिया ऐप रह गई हैं। अच्छा, कि ना मतलब इस वक्त चुप करके काम चल रहा था, सही है, अब खामोशी के साथ चले, सवाल तो सवाल भी खामोशी के साथ करें फिर। लेकिन सच बात यह है कि दुनिया भर में रेगुलेशन होती हैं और इदारों पे जो चेक होता है फिर इदारे चेक रखते हैं। ये नहीं होता कि शुतर बेमहार है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो दूसरी दुनिया से आया है वो हमारे ऊपर लगेगा और हम उसको रोक ना सकें। जहां हम रोक नहीं सकते हम बंद करते हैं। क्या भावल नगर वाले वाकये में
पुलिस के साथ हमदर्दी दिखाते हुए मुसलसल फौज की बैशिंग नहीं हुई। अभी खान साहब जो पुलिस के साथ हमदर्दी और उनकी पार्टी कर रही है, और कल चूंकि वो रिपोर्ट आई थी फैजाबाद धरने वाली, आपको पता है वो राणा सनाउल्ला का मैं रात इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ी ठीक बात कही, उनके ऊपर आया कि जी हमें रिपोर्ट दी गई थी कि अगर आप रोकेंगे तो यहाँ कत्लो गारत होगी। क्या टीएलपी को जब इमरान खान की गवर्नमेंट में पंजाब पुलिस ने बराह रास्त लाहौर में गोलियां मारी थी, क्या हुआ था? मुरीद के में बराह रास्त पुलिस वाले मारे गए थे, क्या हुआ था? वही थे ना जिसका जिक्र फैजाबाद में था, यही टीएलपी वाले थे, यही पुलिस वाले थे। आप कब कैसे करेंगे? ये सबके सोचने का काम है कि हर बंदे को, हर सोशल प्लेटफॉर्म को, हर मजहबी पार्टी को, हर सियासी पार्टी को कुछ ना कुछ चीजों के ऊपर आके ना ब्रेक लगानी पड़ेगी कि हमें सियासत करनी हम करें, हमें अपनी आवाज उठानी है जरूर उठाएं, लेकिन उसके अंदर आपको स्टेट के मामलात को देखना होगा। सब कुछ के बावजूद, मतलब मैं भी वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहा हूं और उसके अंदर आप सब यूज करते हैं, वो भी सब उसमें खतरे में तो मौजूद होते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं ना, सारे मिनिस्टर कर रहे हैं, सारी अपोजिशन कर रही है, रोजाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। निगरान दौर में ये हुआ था 17 फरवरी, ठीक है, इन्होंने उसे कंटिन्यू किया, ऑन किया, पहले सिंध गवर्नमेंट में ये नोटिफिकेशन गया था, अब यहां आ गया, अब इस पे लाज भी बन रहे हैं। हर चीज का इतदाल जरूरी है, जहां हुकूमत को बंदिश पे रखते हुए कि भाई इसका फायदा कितना हुआ है, क्या कितनी हुई है, वो भी रिपोर्ट आ जानी चाहिए कि इससे फायदा क्या हुआ, ठीक, ठीक। इससे नुकसान, क्योंकि असल बात यह है कि जब आप फैसिलिटेशन काउंसिल में काम कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स में आईटी इंडस्ट्री के ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स की हमारे पास है कि हम एक्सपोर्ट कर सके, पैसे कमा सकते हैं, तो इस तरह की चीजों को भी देखना होगा कि अच्छाई और बुराई दोनों का इत्तेदाल आ जाना चाहिए, कि आप नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को भी वॉच कर लें और लोगों के रोजगार को भी ना रोकें कि वो भी चलता रहे। नए नौजवान जो हैं वो इससे बेपना पैसा भी बना रहे हैं ना आईटी के, और वो पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त आता है, कुछ का है बड़े लोगों का, सेठों का, उनके अकाउंट्स बाहर है, उनका तो चाहे वो एक्सपोर्ट में पहले वो माफिया वो सीमेंट एक्सपोर्ट करे, वो करे आपकी कॉटन करे, वो जो मर्जी करे टेक्सटाइल वगैरह में, उनको मसला नहीं होता, उन्होंने तो पाबंदियां भी लगवा ली हैं कि जितने से बाद हम पैसा वापस लाएंगे, यहां से रिबेट लेते हैं। लेकिन हल यही है कि बैठ के इसके ऊपर बहस कर लें पार्लियामेंट में और तय कर लें और जल्द अज जल्द इस मसले का कानूनी तौर पर एक जवाब बनाएं और बेहतर अंदाज से इसको हल करें। ठीक है जी आया साहब, लेकिन ये क्वेश्चन तो इमरान खान की गवर्नमेंट के दौर से हो रही हैं, लेकिन हर चीज का हल हमारे पास सिर्फ एक है, पाबंदी लगा दो, बैन कर दो, बस। रौला ये है कि मैं नहीं पैसे खर्च कर सकता वीपीएन यूज करने के लिए, मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा एक्स आजकल, वो जब को थोड़ी अच्छा, स्पेस मिलती है तो। मैं एक आध वो ट्वीट कर देता हूँ बस, क्योंकि मेरे पास नहीं है इतने पैसे। नहीं, VPN फ्री नहीं है। VPN पे वो कितनी देर फ्री होगा? VPN तो फ्री है, उसके बाद फिर आपको पैसे तो देने पड़ते हैं, 24 घंटे करें ना ना ना। अच्छा, मुझे नहीं पता फिर वो कौन सा VPN है, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं तो जाहिर है उस तरफ मैं आपको वैसे बता दूंगा, यहाँ पे तो नहीं ना बताना। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो VPN यूज कर सकता है उसके लिए एक्स फ्री है, उसके लिए एक्स चलाना जायज है, और वो यकीनन कौमी सलामती के लिए मसला भी पैदा नहीं कर रहा। जिसके पास वीपीएन नहीं है उसको समझ लिया जाए कि वो कौमी सलामती के लिए मसला पैदा करता है, इसलिए हमने इस पर पाबंदी। यार खुदा के लिए कोई जवाब तो अच्छा सा ढूंढ के लाओ इसके लिए। ये अब जो हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है बिजली की, जी जी, वो उनके लोगों का पकड़े जा रहे हैं, तो वो भी मुझे लग रहा है बड़ी जल्दी ये भी हड़ताल पे चले जाएंगी, फिर इन पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि ना होगी ना लोगों ने बिजली मिलेगी, लोड की बिजली थी, बिल्स पहले इतने ज्यादा आते हैं। ये हल नहीं होता, जब बसंत पे पाबंदी लगी थी हमने उस वक्त भी यही अर्ज किया था, हुजूर वो जो धाती तो डोर बना रहा है उसको पकड़े, उसको रोके, वो उसको आप रोक नहीं सकते। आजकल ट्रैफिक हादसा बेनतहा हुए हैं और इसका हल ये है कि ट्रैफिक पे पाबंदी लगा दी जाए, अब ट्रैफिक सड़कों पे लाना बंद कर दें, ये हल नहीं होते। ये हम जैसे कौमों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो कोई तो मतलब कहीं तो विजनरी को लीडर अल्लाह ताला इस कौम को दे देता जिसमें इतनी अकल तो होती कि चीजों को नाप तोल के, वो जो इतदाल की बात कर रहे हैं ना हमें, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इतदाल किसने लाना होता है? कौमें अपने लीडर्स को फॉलो करती हैं, यहाँ हमारे लीडर्स तो मीडिया को फॉलो कर रहे होते हैं, मीडिया पे एक चीज चल जाती है उसके पीछे चल पड़ते हैं कि हाँ ये ठीक है, इसी के मुताबिक हमें काम करना है। नो, इस तरह नहीं होता,
हर चीज का हल पाबंदी नहीं होता। बिल्कुल सही। वीपीएन वाले कौमी सलामती के लिए मसला नहीं बनता, मैं बनता हूँ। कमाल है जी ब्रिगेडियर साहब। लेकिन बात यह कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर ना देशों की लाइन ड्रोन, इंडिया ने हमारे दुश्मनों ने इतने अकाउंट चलाए हैं वो टोटल एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी सिक्योरिटी जो है वो एलिमेंट है, इसको डिस्करेज करने की जरूरत है। इसके लिए बेशक कानून साजी करें, असेंबली में बात करें, डिस्कस कर लें, डिबेट कर लें, बट फाइंड अ सोल्यूशन। यू कैनॉट अफोर्ड टू डिवाइड आर्म फोर्सेज एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस, यही एनिमी के नैरेटिव कि फौज और अवाम को डिवाइड कर दो, फौज को कमजोर करो, इराक लीबिया सीरिया जो कुछ वहाँ पर वो यहाँ पर हो जाए। ये आपको चाहिए कि फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा इसलिए है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और वो नेशनल सिक्योरिटी जो ये आपकी बका के लिए सिक्योरिटी के लिए दे आर फॉल आउट, इसको वो चाहते हैं। आपके सामने देख लें ईरान में किस तरह इसराइल का हुआ है, फलस्तीन बेचारों को कुछ नहीं देखें वहाँ क्या हो रहा है। You need to have a strong military force, but then you need to have the support of people of Pakistan. इसके बगैर कभी फौज कुछ भी नहीं कर सकती। इंडिया में देख कोई किसी सोशल मीडिया पे आपने कभी देख लें कोई इंडिया की आर्म फोर्सेज के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता। सो हुकूमत को चाहिए कि बैठे आप फ्रेम बनाएं, फ्रेमवर्क करें, आपने कानून साजी करें, बिल्कुल करें, कुछ ऐसा बंद करके देन कीप अ वार्निंग कि हम खोल रहे हैं, देन वी विल वॉच क्रिटिकली, क्योंकि फॉरेन जितने अकाउंट देयर ऑल मोस्टली फेक हैं और वो हर पार्टी के हैं और वो उसको अपने मर्जी के पार्टी के हिसाब से करें, लेकिन मुल्क बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऐसे रूल बना दिए जाएं जिसमें सही है जी। ब्रेक लेते हैं नाज़िम, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल साहब इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़िम, हम बात कर रहे हैं एक्स पर पाबंदी, क्या हुकूमती पॉलिसी जायज़ है, कि ये पाबंदी दुरुस्त है सिक्योरिटी इंटरेस्ट के मामले में। जी फैसल साहब, आपको क्या लगता है, ये पाबंदी बंदी होनी चाहिए अगर इस तरह के मामलात हो, या कोई इस्लाहात की ज़रूरत है, कोई ऐसी रिफॉर्म्स की जाएँ ताकि इसको बंद ना किया जाए लेकिन रिफॉर्म्स के ज़रिए कोई चेक रखा जा सके? फैसल साहब देखिए, एक्स पर पाबंदी बिल्कुल इसी तरह है जैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने के लिए डबल सवारी पे पाबंदी लगाई जाती है, इसी तरह एक्स पर पाबंदी लगा के जिन जिन वजह से लगाई गई उस वही नतीजा निकल रहा। अच्छा, आप ये कहते हैं कि कौमी सलामती की वजह से लगाई गई, तो भाई फ़ख्र से लगानी चाहिए थी ना, एलानिया लगानी चाहिए थी, बबांगे दैन लगानी चाहिए थी। आप तो कल तक ये मानने को तैयार नहीं थे पाबंदी लगी है, आप उसका नोटिफिकेशन निकाल के लगाते और बताते पूरे कौम इस बात पे खड़ी जाती, कौन इस मुल्क में कौन सा ऐसा आदमी है जो कौमी सलामती के इशू पर जो है वो इस मुखालफत कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए, आप एलानिया लगा देते। इस वक्त सूरत हाल यह है, अब इतनी ये ख़तरनाक बात है, अब ये कहते हैं कौमी सलामती का इशू है इसलिए एक्स पर पाबंदी लगा दी गई, हम और आप तो किसी गिनती में शुमार नहीं होते। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात जो है, जो कौमी सलामती के लिए जो पाबंदी लगाई गई उसको तोड़ते हुए जो है वीपीएन के जरिए जो वो एक्स इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या हम ये बात कहें कि इस वक्त पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात, सरकारी शख्सियात कौमी सलामती के लिए खतरा बन गई? एक नया एंगल है उनको, आप सारी आला तरीन शख्सियात, अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो है वो अपना तकरीर की पाबंदी सही लगी, ब्रिगेडियर साहब खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई अगर पाबंदी, इसका मतलब क्या है कि ये पाबंदी जो है ना वो गैर फितरी है। हम तो अगर ये समझते हैं कि बाकी कौमी सलामती का इशू है तो सबसे पहले तो सरकारी शख्सियात पे इस पे अमल दरामद करना चाहिए, फिर बाकी पे पूरी कौम को इस पे जो है अमल दरामद करने के लिए कहना चाहिए। जब सरकार इस पाबंदी को तस्लीम नहीं कर रही और सरकार में भी आला तरीन शख्सियात, तो फिर आम आदमी, तो आपकी रिट ऑफ लॉ उसके आगे ना सवाल बन जाता है, बिल्कुल वो मजाक बन जाता है, वो लोगों की तफरी का जो है वो जरिया बन जाता है कि वीपीएन के जरिए जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो सरकारी शख्सियात इस्तेमाल कर रही है। मजे की बात थी, जो आईटी मिनिस्टर थे ना ये निगरान जी, उन्होंने जब गए जाते एक दिन पहले
वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए ये ट्वीट किया था कि इस निगरान हुकूमत ने जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए अहम कारनामे अंजाम दिए। ठीक, इस बात का ऐलान उन्होंने वीपीएन के इस्तेमाल के जरिए इस कौम को बताया था। ये मुल्क आला तरीन शख्सियात वीपीएन वाले मुहब्बे वतन है और जो और जिनके पास वीपीएन नहीं है वो मुल्क दुश्मन है, वो कौमी सलामती के लिए खतरा है, इसलिए वीपीएन वाले हमारे पे नजर रखने के लिए। दूसरा मामला है इलियास साहब, जी जी नहीं सर, मामला वीपीएन नहीं का नहीं है, इसमें मामला ये है कि जिनको वीपीएन इस्तेमाल करना नहीं आता वो क्या करें, ये इशू है। ये तो अच्छी लाइन ड्रॉ, बिल्कुल बिल्कुल तो लाइन ड्रॉ कर दी है मुहब्बे वतन और दूसरे लोगों में, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कोई रेगुलेशन बनाए। सबका गवर्नमेंट भी लगी हुई थी इस पर, अब तक तो बन जाने चाहिए थे, बजाय कि इसको बैन रखने से क्या फ़ायदा है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम आगे जाना चाहते हैं, तो आगे जाने के सब लोग इस बात पर हंसते हैं कि जी ये पाकिस्तान में बैन है एक्सपर, क्योंकि कर नहीं सकते, और भी जो है वेब इस तरह की जो है पोर्टल्स वगैरह कई चीज़ों पर बैन है, लेकिन वो लोगों को इधर पाकिस्तान में जो है इसमें बहुत कम लोगों को शऊर है कि एक्स क्या है, किस तरह चलता है, किस तरह करते हैं, ज़्यादातर तो लोगों को इसकी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो लेकिन जिनको फ़र्क पड़ता है नाक में दम किया हुआ कह रहा है शऊर नहीं है। चलें ठीक है सर, आप इस्लामाबाद में रहते हैं ना, इधर आके देखें, आपको इधर इंटरनेट की सहूलत नहीं है कितने इलाकों में, लाहौर जैसे शहर में, वो यही चीज़ है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको आगे करना चाहिए। यहाँ तो देखिए लाहौर में एक सर्विस शुरू की थी कि इंटरनेट की सहूलत फ्री दे रहे थे शहर में, कितने मुकाम तो 36 मुकाम पर दे रहे थे, लेकिन फिर वो भी बंद कर दी ताकि उसको इस सूरत हाल को इनको देखना चाहिए कि अपने आप को देखने के लिए बजाय कि उसको बंद करने के उसमें असलाहत लेके आए। अगर कौमी सलामती का मसला है तो उन लोगों को अफराद को पकड़ें जो इसको इस्तेमाल गलत करते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है, जल्दी पकड़े जाते हैं वो बंदे जिनको पकड़ना होता है, तो इसके लिए तरीकाकार जब तक नहीं बनाएंगे उनको सजाएं नहीं देंगे। तो इस बारे में कहा जा रहा है कि बिल्कुल जी काम हो रहा है जी, कोई रेगुलेशंस वगैरह बन रहे हैं और रेगुलेशन लाने के बाद जी करेंगे, लेकिन वो गुजरते हुए देखें 2 साल गुजर गए, कोई रेगुलेशन अभी तक कोई नहीं आया, कोई इस पर FIA वगैरह काम करना, सिर्फ लोगों को पकड़ पकड़ कर देखें कि इस खत्ते में सबसे पहले ऑप्टिक फाइबर इस मुल्क में बिछी और आज हमारी हालत ये है कि हम एक्सपर्ट पर बंदी में। बिल्कुल जी, वक्त खत्म हो गया, आप सबका आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।